नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। शिक्षक सदैव समाज एवं राष्ट्र निर्माण में साधनारत रहे शर्मा। आबू रोड आज शुक्रवार राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय अधिवेशन। आज प्रहलाद शर्मा संरक्षक राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के मुख्य अतिथि एवं डॉक्टर पवन कुमार रजिस्टर माधव विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। संयोजक एवं जिला मंत्री डूंगर से देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन का शुभारंभ आज दोपहर माधव विश्वविद्यालय में हुआ। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि प्रहलाद शर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार रजिस्ट्रार्स माधव विश्वविद्यालय, डॉक्टर अवधेश आधा अधिष्ठाता शिक्षा संकाय माधव विश्वविद्यालय, मुकेश जोशी विभाग संगठन मंत्री सिरोही झालोर, दिनेश पुरोहित विभाग कार्यवाह झालोर, कानाराम प्रजापति संभाग संगठन मंत्री, विजय प्रकाश गौतम जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री एवं संयोजक डूंगर सिंह देवड़ा, स्वागत अध्यक्ष भूराराम चौधरी ने संबोधित किया। आज का शिक्षक सम्मेलन जो राजकीय शिविर कैलेंडर जारी होता है उसी के अनुरूप 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह आज यहाँ विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ है। और राजस्थान का ऐसा एक संगठन राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय है जो पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा संगठन है और वर्ष पर्यंत शिक्षकों की समस्या को लेकर तत्पर रहता है और हमेशा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों से और सरकार से अपनी मांगे रखता रहता है। इसके अलावा हमारा ध्येय केवल राष्ट्रीय तो केवल यदि हमारी मांगे पूरी हो लेकिन हम राष्ट्र हित में करेंगे काम और राष्ट्र लेंगे पूरे दाम, इस नीति के साथ अपना काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में अनेक ऐसे संगठन हैं जो केवल नाम मात्र के संगठन हैं लेकिन राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ऐसा संगठन है जिसका 2 दिन का जो कैलेंडर में निर्धारित समय दिया है सम्मेलन का उसी के अनुरूप दोनों दिन उद्घाटन सत्र भी होता है और दूसरे दिन समापन सत्र भी होता है। इसके साथ साथ दोनों दिन हमारे विशेष रूप से शिक्षाविद उपस्थित रहते हैं और समाज में और राष्ट्र हित में किस प्रकार उत्थान किया जाए उस पर विचार विमर्श किया जाता है। दोनों दिवस में इस प्रकार का ध्येय के साथ हम दोनों दिन के प्रभावी के साथ इस प्रकार का कार्य करते हैं।